सरदारपुर नगर परिषद के पूर्व पार्षद और वर्तमान में सरदारपुर नगर परिषद के प्रभारी लेखापाल, स्टोर कीपर, विद्युत व्यवस्था प्रभारी जितेंद्र गोखले को सरदारपुर सीएमओ ने मुखबिर से मिली जानकारी पर लाखों के इलेक्ट्रिक का सामान बेचते रंगे हाथ पकड़ा। नायब तहसीलदार खान की उपस्थिति में जब्त सामग्री का पंचनामा बनाकर आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की बात कही है। वहीं लेखा शाखा कक्ष भी सील कर दिया गया है। 4 साल के रिकॉर्ड की जांच करने की बात भी अधिकारियों द्वारा की गई है, परंतु नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त इस पूर्व पार्षद और वर्तमान में नगर परिषद के कई पदों के प्रभारी की FIR करवाने में CMO को पसीने तक आ गए हैं। कार्रवाई के बाद से अब तक FIR नहीं हो पाई है। धार से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। स्टोर कीपर में कार्यरत था, उसके द्वारा किसी सप्लायर को बेची जा रही थी। हमारे नगर परिषद अधिकारी सीमो साहब ने उसे रंगे हाथ पकड़ा और उसका पंचनामा बनवाया। कर्मचारी कौन है? जितेंद्र गोखले नाम बताया जा रहा है। आपकी ओर से आगे कोई कार्रवाई की जा रही है? जो भी शासकीय कार्रवाई होगी उसे हम सहयोग करेंगे। इसमें और कोई भी नाम इन्वॉल्व हो सकता था और सप्लायरों को बेचता था? ये जानकारी एक सप्लायर के माध्यम से ही मुझे मिली थी कि आपका स्टोर कीपर ये काम हरकते कर रहे थे, तो इसके लिए मैं 20 दिन से उसकी रेकिंग कर रहा था और उसमें सप्लायर ने भी सहयोग किया और इंडस्ट्री का एरिया में कर दिया। तो सर किसको बेच रहा था? पकड़ा के बेच रहा था, सप्लायर को ही था, सप्लायर को ही दे रहा था। वो सुधीर त्रिवेदी निवासी कहाँ का सर? निवासी शायद हार होता है। सर जितेंद्र गोखले के घर में कुछ हानि की जाएगी क्या? और स्टॉक रजिस्टर युवा ही देश की रीढ़ की हड्डी है और देश की आज़ादी में भी युवाओं की ही अहम भूमिका रही। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस आदि ने देश की आज़ादी के लिए अपनी युवा अवस्था कुर्बान कर दी। यह बात विशेष अतिथि के तौर पर विधायक प्रतिनिधि रजी खान ने कही। साथ ही कहा कि आज का युवा अपने मूल उद्देश्य से भटकता जा रहा है। राजनीति में भी अच्छे शिक्षित युवाओं के आने की जरूरत है ताकि देश का विकास हो सके। इसके पूर्व मुख्य अतिथि जनपद पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र बघेल, युवा केंद्र के जिला कोऑर्डिनेटर प्रताप चौहान का स्वागत किया गया। सिरोंज जिला विदिशा से अब्दुल अलीम की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन के अनुमोदन पर विद्युत कंपनी के द्वारा ग्राम के अंदर व खेतों के लिए अलग अलग बिजली व्यवस्था की गई, जिसके चलते हर गांव के हर वार्ड मोहल्ले में एक DP लगाई है। सारे गांव में 11 KV की लाइन बिछी हुई है। आज ग्राम खपरिया में एक बोरिंग करने वाली मशीन वाइन टच हो गई, जिसके चलते एक गंभीर रूप से व्यक्ति घायल हो गया। ग्राम के कुछ लोगों ने तुरंत 108 डायल किया, किंतु 30 से 40 मिनट तक एम्बुलेंस नहीं आई। फिर ग्रामीण उसे मोटरसाइकिल से अस्पताल ले गए। अभी बारिश का समय है और शासन प्रशासन को ध्यान होगा कि गांव में जो तार नीचे हो गए उन्हें व्यवस्थित करवाना है। सिवनी मालवा से शशिकांत शर्मा की रिपोर्ट।